हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अनुज एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ईदर एंड नीदर का यूज़, जिसको हम आइदर एंड नाइदर भी प्रोनाउंस करते हैं। दोनों का जो हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, ये होता है भी, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ईदर एंड नीदर का यूज़ हम केवल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं और आप किसी स्पॉट के विषय में बात कर रहे हैं, कोई प्लेस है, कोई जगह है, ठीक है। एक फ्रेंड आपका बोलता है कि यार मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई डोंट गो देयर। और आप भी बोलते हैं कि यार मैं भी वहाँ नहीं जाता हूँ, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसको ट्रांसलेट करेंगे कि आई ऑल्सो डोंट गो देयर। तो फ्रेंड्स, आई ऑल्सो डोंट गो देयर ये गलत होगा, क्योंकि जो ऑल्सो है ये भी का, ऑल्सो का मतलब भी होता है, बट ये केवल पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। नेगेटिव में केवल हमारे पास दो ही वर्ड्स हैं, ईदर एंड नीदर, जिसको आप आइदर एंड नाइदर भी प्रोनाउंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा कि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ये होगा आई डोंट गो देयर ईदर। ईदर हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं भी शब्द को दर्शाने के लिए, जो कि केवल नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज किया जाता है ईदर एंड नीदर का। तो कैसे बनाएंगे आप आई डोंट गो देयर ईदर? यदि आप इसको नीदर से बनाएंगे, सबसे पहले नीदर रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तो इसमें हो जाएगा नीदर डू आई, मैं भी वहाँ नहीं जाता हूँ। फाइन, तो वही देखते हैं फ्रेंड्स इसका सिंटैक्स क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हमें एक नेगेटिव सेंटेंस लेना है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इधर रखेंगे, सबसे पहले हम इधर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में हमें इधर रखना है भी शब्द को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए। फाइन, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया आपको समझाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरा पहला उदाहरण है कि आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। फाइन, मान लीजिए एक और बंदा है, वो बोलता है यार मैं भी उसे नहीं जानता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साधारण, मैंने यहाँ पे आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, उसकी हिंदी होती है। अगर यहाँ पे आप लिख दें कि मैं भी उसे नहीं जानता हूँ, तो यदि आप आई ऑल्सो डोंट नो हिम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल्सो जो है वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ऑल्सो का मतलब भी होता है। आप नेगेटिव सेंटेंस में केवल दो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, एक ईदर और एक नीदर भी शब्द के लिए। फाइन, तो इसको हम करेंगे, सबसे पहले हम ये नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये सेम उतार लेना, ठीक है, आई डोंट नो हिम। अब लास्ट में हमें ईदर लिखना है भी शब्द के लिए, ठीक है, ईदर मैं भी उसे नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हिम ईदर। फाइन, सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं मेरा दूसरा उदाहरण कौन सा है। सो मेरा दूसरा उदाहरण है आई डोंट टॉक टू हिम, इसकी हिंदी होगी कि मैं उससे बात नहीं करता हूँ। यदि आपको बोलना हो कि मैं भी उससे बात नहीं करता हूँ, क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस यही सेम है, हम इसको उतार लेते हैं, राइट, आई डोंट टॉक टू हिम। अब क्या करना है, लास्ट में हमें भी के लिए ईदर रखना है, राइट, हम लिखेंगे ईदर I don't talk to him either. मैं भी उनसे बात नहीं करता हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पे also लगा देंगे, I also don't talk to him, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। Also जो है वो केवल पॉजिटिव में यूज होता है। फाइन, सो फ्रेंड्स ऐसे ही आप कई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईदर। मान लीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड्स कहता है कि यार मेरे पास फ़ोन नहीं है, राइट, और एक फ्रेंड्स बोलता है कि यार मेरे पास भी फ़ोन नहीं है। मेरे पास फ़ोन नहीं है, आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? आप ट्रांसलेट करेंगे कि आई हैव नॉट अ मोबाइल या आई हैव नॉट अ फ़ोन, राइट। यदि आपको बोलना हो कि मेरे पास भी फ़ोन नहीं है, तो कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे इस सेंटेंस को? आप कहेंगे कि आई हैव नॉट अ फ़ोन ईदर। ईदर सेंटेंस के लास्ट में लगता है फ्रेंड, जिसका मतलब भी होता है, राइट। सो आई हैव नॉट अ फ़ोन ईदर, या फ़ोन की जगह आप मोबाइल लगा सकते हैं, आई हैव नॉट अ मोबाइल ईदर, राइट। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं आपके और एक फ्रेंड्स कहता है कि मेरे पास कार नहीं है यार भाई, और आप बोलते हो यार मेरे पास भी कार नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट अ कार। अब बोलना है कि मेरे पास भी कार नहीं है भी के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट अ कार ईदर, राइट। ईदर सेंटेंस के लास्ट में लगता है फ्रेंड्स, जिसका मतलब भी होता है, केवल हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं ईदर एंड नीदर का। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अब नीदर का यूज़ हम कैसे करेंगे। जो इसका सिंटैक्स है फ्रेंड्स नीदर का, सबसे पहले आपको नीदर का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपको नीदर रखना है सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, उसके बाद
सब्जेक्ट रखना है आपको, राइट। मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया फ्रेंड्स कि यहाँ पे है आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। अगर आपको बोलना हो कि मैं भी वहाँ नहीं जाता हूँ, तो एक तो आपके पास यह ऑप्शन है कि आई डोंट गो देयर ईदर, ईदर लगा के बोल सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि सबसे पहले आपको नीदर रखना है, ओके। तो हम यहाँ पे नीदर लगाएंगे, राइट, नीदर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो नीदर में नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है गाइस, तो यहाँ पे डोंट हम नहीं रखेंगे, डोंट का हम पॉजिटिव रखेंगे, तो ये हो जाएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, नीदर डू आई, मैं अभी नहीं जाता हूँ, ओके। मान लीजिए ऐसे आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नीदर की सहायता से कि आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, आई डोंट टॉक टू हिम। आपको बोलना है मैं भी उससे बात नहीं करता हूँ भाई, नीदर डू आई, नीदर डू आई, राइट। आपको जैसे कहना हो कि ही डजंट गो टू टेम्पल एवरी डे, राइट, या ही डजंट गो टू टेम्पल, वो मंदिर नहीं जाता है। आपको बोलना हो कि यार मैं भी मंदिर नहीं जाता हूँ, तो आप नीदर की सहायता से कैसे बनाएंगे, नीदर डू आई, नीदर डू आई, राइट। जैसे एक बंदा है बोलता है कि मैं टीचर नहीं हूँ, तो वो बंदा बोलता है कि यार आई एम नॉट अ टीचर। आपको बोलना हो कि यार मैं भी टीचर नहीं हूँ, नीदर एम आई। केवल आपको नीदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो कैसे कहेंगे आप, नीदर एम आई। लास्ट में आपको नहीं बोलना है, यहाँ पे अंडरस्टूड है गाइस, वो टीचर की ही बात हो रही है, उसने बोला कि आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, आपको कहना है कि मैं भी टीचर नहीं हूँ। तो केवल आपको नीदर की सहायता से बोलना है नीदर एम आई। इधर से बनाएंगे तो लास्ट में आपको इधर रखना है, आई एम नॉट अ टीचर ईदर। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो होप, एक छोटा सा टॉपिक था, होप यू गाइस मस्ट हैव गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। Every day we escape.